हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो इस व्लॉग में मैं आपको लेके जाना वाला हूँ सरोजनी नगर मार्केट में। एक्चुअली मुझे अपनी कुछ शॉपिंग करनी थी तो मैंने सोचा कि मैं व्लॉग भी बना लूँ। सो अभी मैं हूँ नेताजी सुभाष पैलेस मेट्रो स्टेशन पर। यहाँ से हम चेंज करेंगे पिंक लाइन के लिए एंड मेरे साथ आई है मेरी मम्मी। सो मेरी मम्मी, मम्मी हाय। तो ये वीडियो एक डिटेल्ड वीडियो होगी उस मार्केट के लिए। सो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि वहाँ पे क्या चीज़ सस्ते में मिलती है, क्या चीज़ एक्सपेंसिव है। एक डिटेल प्रॉपर वीडियो होगी उसके बारे में। तो चलिए लेट्स गो। सो एंट्री से पहले यहाँ पर हमारा हुआ है कोविड का टेस्ट, जो कि सभी लोगों का हो रहा है। आपको एंट्री नहीं करने देंगे मार्केट में अगर आप कोविड का टेस्ट नहीं कराओगे। तो ये इंस्टेंट टेस्ट है, एक मिनट लगा हमें, उसके बाद टेस्ट हमारा हो गया। सो ये है इस मार्केट का एंट्री गेट एंड हम लेते हैं एंट्री। वहाँ से इसकी एंट्री है उधर से, तो लेट्स गो। यहाँ अंदर मार्केट स्टार्ट है। ये सामने ही मेट्रो स्टेशन है, बिल्कुल साथ साथ है सब चीज़ें। तो ये है मेन मार्केट सरोजनी नगर की एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं जो कि काफ़ी कम प्राइस आपको ऑफर करते हैं। एंड यहाँ पर सामने ही शॉप्स हैं जो कि थोड़ी बेटर क्वालिटी आपको देंगी बट प्राइस बढ़ जाएंगे। मैंने जो नोटिस करा यहाँ पर आपकी हैंड एक्सेसरीज हैं एंड ज़्यादा, प्लस यहाँ पे कपड़े हैं ज़्यादातर जो। तो अभी मैंने एक स्वेटर ख़रीदा है बस, उसके अलावा तो कुछ मिला नहीं। और ये मम्मी मेरी शॉपिंग कराने आई थी, अपनी करने लग गई है। पता नहीं क्यों हर बार हमारे साथ यही क्यों होता है, क्यों 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 क्यों। कमेंट्स में रिप्लाई करो, मेरे को इसका आंसर दो। सो वी आर ऑलमोस्ट डन। मैंने 3 स्वेटर लिए हैं एंड एक यह है बैग, और मम्मी ने कुछ अपनी रिंग्स और एसेसरीज वगैरह ली हैं एंड मम्मी ने अपने लिए सामान लिया है। यहाँ के लोग बहुत ही क्रीप हैं, बहुत ज़्यादा क्रीप हैं। तुम्हें बिल्कुल चिपक जाएंगे, तुम्हारे पीछे 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 तक आते रहेंगे, इतने में ले लो, इतने में ले लो, इतने में ले लो, इतने में ले लो, इतने में ले लो। और बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग होती है यहाँ पे, तो अगली बार से ध्यान रखते हैं इस चीज़ का। बहुत ज़्यादा भीड़ है, मैंने मास्क का भी उतार दिया, आई एम सॉरी। मास्क पहन लेते हैं पहले। तो मैंने मास्क पहन लिया, तो मम्मी से पूछते हैं अब। मम्मा क्या हुआ बताओ? बहुत परेशान किया मुझे यहाँ शॉपिंग के लिए। मैंने परेशान करा कि आपने करा? मेरी शॉपिंग कराने आए थे और खुद की शॉपिंग करके जा रहे हो। तो बस निकलते हैं यहाँ से, मेट्रो स्टेशन का रास्ता ढूंढते हैं, कुछ खा के यहाँ से निकलते हैं। तो बस बाकी आपको आगे अपडेट करता हूँ। तो अभी हमने ऑर्डर करा है यहाँ पे खाने के लिए छोले भटूरे 1 प्लेट एंड 1 प्लेट वेज नूडल्स। तो मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे जगह जगह वैंस लगी हुई हैं जहाँ से आप खाना ले सकते हो। तो देखने में तो ठीक लग रहा है, टेस्ट करके बताता हूँ मैं कैसा है। मैंने छोले भटूरे खा लिए हैं, तो आई विल रेट दिस 6/10। इतने ज़्यादा टेस्टी नहीं थे एंड ज़्यादा कुछ खास नहीं था। चाउमीन आ गई है, इसको टेस्ट करके मैं बताता हूँ कैसी है। चाउमीन इज स्टिल बेटर टेस्ट में, भटूरे इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगे। ठीक है, बाकी स्ट्रीट फूड है तो कई बार अच्छा मिल जाता है, कई बार इतना अच्छा नहीं मिलता। बाकी ठीक है, प्राइस रेंज एवरेज है, खाना भी एवरेज है। तो हम लोग मार्केट से निकल गए थे एंड अब जा रहे हैं हम अपनी रेड लाइन की तरफ। तो कुछ अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ कि इतनी खास मेरे को लगी नहीं, लड़कों के कपड़ों के लिए इतनी अच्छी मार्केट नहीं है, सिर्फ लड़कियाँ जाएँ तो बेटर है। हाँ, लड़कियों के लिए बहुत बढ़िया मार्केट है, सस्ते कपड़े मिल रहे हैं, बहुत ही सस्ते मिल रहे हैं। मतलब 50-50, 100-100 रुपये के भी टॉप्स लगे हुए थे वहाँ पर, और एसेसरीज़ अच्छी हैं। लड़कों के लिए भी हैं कुछ कुछ शॉप्स हैं बाहर जहाँ मिल रहे हैं, लेकिन इतनी वर्थ इट नहीं है। मेरे को लगा इतनी दूर जाना वर्थ इट होगा, लेकिन नहीं। कभी और जाएंगे, कहीं और ट्राई करेंगे किसी और मार्केट में। तब तक के लिए ब्लॉग में यही एंड कर रहा हूँ, किसी और ब्लॉग में दोबारा से मिलते हैं।
तब तक के लिए भाई। भाई ये सीढ़ियाँ, वहाँ पे एस्केलेटर था और मैं सीढ़ियों से आया और मेरी सांस फूल गई। हाँ, मैं कह रहा था कि व्लॉग मैं यहीं एंड कर रहा हूँ, तब तक के लिए भाई। अगर ये आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल ज़रूर से, और मेरे को इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लेना। इसके बाद मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आपको दिखाई देगी। फॉलो मी इंस्टाग्राम। बाय।